नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया परिवार के बारे में। देश में सहारा इंडिया परिवार को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों के हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। बता दें कि सहारा इंडिया पर पैसा धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में सहारा इंडिया के खिलाफ किन्नरों ने जबरदस्त तरीके से बवाल काटा। बता दें कि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किन्नरों ने कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने बैंक के मैनेजर को भी बंधक बना लिया। बता दें कि यह पूरा मामला ब्रह्मपुरा थाना के जूरन छपरा मेन रोड का है, जहां पर किन्नरों ने सड़क को पहले पूरी तरीके से जाम किया और उसके बाद सहारा के ऑफिस को भी बंद करवा दिया। इस दौरान ऑफिस से लेकर सड़क तक अफरा तफरी जैसे हालात बने रहे। इस दौरान गाड़ियों का एक लंबा काफिला वहां जाम के रूप में हो गया। इस पूरे मामले को लेकर किन्नरों का कहना है कि वे पिछले 10 साल से पैसा जमा कर रहे थे और पैसे का भुगतान उन्हें 2021 में कर देना था, लेकिन अब बैंक उन्हें पैसे के लिए दौड़ा रहा है। बता दें कि इस घटना के दौरान किन्नरों के साथ ही आम लोगों ने भी सहारा इंडिया से अपनी परेशानी जताई है और उन्होंने भी इनका साथ दिया। इस दौरान वहां पहुंची महिलाओं ने बताया कि उन्होंने चौका बर्तन करके पैसा जमा किया था, लेकिन अब वह पैसा कंपनी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, उन्हें दौड़ाया जा रहा है। जब लोग पैसा मांगने जाते हैं तो बैंक में यह कहा जाता है कि कोर्ट में केस चल रहा है। जब बैंक की तरफ से यह कहा गया कि केस चल रहा है, तो किन्नरों ने साफ तौर पर कहा कि फिर पैसे क्यों वसूले गए। किन्नरों ने बैंक मैनेजर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो मैनेजर की पिटाई करके अस्पताल में भेजेंगे और पैसा तो वसूल ही करेंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर बैंक मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि 10 साल पहले रुपया जमा किया गया था और इस पैसे का भुगतान साल 2021 में होना था, लेकिन भुगतान अभी लंबित है। कंपनी का पैसा को लेकर पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से पैसे देने में दिक्कत हो रही है। बता दें कि मैनेजर ने किन्नरों को और आम लोगों को भरोसा दिलाया है कि 2022 के अंत तक पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। बता दें कि यह एक मामला मुजफ्फरपुर का नहीं, इसी तरह के मामले पूरे देश में लंबित पड़े हैं, जिसमें लाखों रुपये लाखों लोगों के कंपनी के पास फंसा हुआ है। जब उपभोक्ता का पैसा निकालने का समय आता है तो कंपनी की तरफ से यह कहा जाता है कि इसी पैसे को इतने दिनों के लिए फिक्स कर दीजिए। इसी तरह के कई सालों में लोगों का पैसा सहारा के पास अभी भी फंसा हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में उपभोक्ताओं को जब लगा कि पैसे अभी नहीं मिलने वाला है तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने जब सहारा से पूछा कि पैसा कब मिलेगा तो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा सेबी के पास जमा है, सेबी से जब पैसे मिलेगा तो हम आप यानी कि उपभोक्ताओं को पैसा लौटा देंगे। अभी इस पूरे मामले पर सेबी का कहना है कि हमें 81.70 करोड़ रुपये के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट और पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं। ऐसे में यह पूरा मामला कोर्ट, सेबी और सहारा इंडिया के बीच में फंसा हुआ है। इन सब के बीच में आम गरीब लोगों का पैसा फंसा है, जो अपने जीवन का एक बड़ी कमाई का हिस्सा जो है भविष्य के लिए जमा किए थे, जो कि अब पूरी तरीके से फंस गया है। इन्हीं पैसों को लेकर जो है कोर्ट, सेबी और सहारा के बीच में मामला चल रहा है। दूसरी तरफ आज की जो घटना है वो सड़कों पर देखने को मिली, जिसमें कि किन्नर समाज के लोगों ने जो है बैंक मैनेजर को बैंक से खींचकर उन्हें सड़क पर लाया और अपनी साड़ियां भी उन्हें पहना दी। इस पूरे प्रकरण को लेकर एक तरह से कह लें कि मुजफ्फरपुर में 2 से 3 घंटे का बवाल करता रहा और उसके बाद बैंक मैनेजर को काफ़ी मान मनोहर के बाद छुड़ाया जा सका। तो ये थी सहारा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।